राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की जंग में चुनावी शोर थम गया है। ये उपचुनाव कई वजह से चर्चा में रहेंगे, जैसे 4 ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव भले ही प्रत्याशी लड़ रहे हो लेकिन चर्चा उनके पिता, भाई, पति और दूसरे नेताओं की भी हो रही है। किरोड़ी मीना, ब्रजेंद्र ओला, हनुमान बेनीवाल और हरीश चंद्र मीणा भले ही खुद प्रत्याशी नहीं थे पर पूरे चुनाव में पूरी तरह से उनकी साख दांव पर लगी है, क्योंकि प्रत्याशी उनके रिश्तेदार हैं और इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और अब 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 4 सीटों के चुनाव परिणामों पर सबकी नजरें रहेंगी। ये सीटें हैं दौसा, खींवसर, झुंझुनू और देवली उनियारा, क्योंकि यहां दिग्गजों की साख और सियासत दांव पर लगी है। अब भले ही ये दिग्गज खुद प्रत्याशी नहीं हो लेकिन सारा चुनाव इन्हीं के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। दौसा, भले ही चुनाव किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा लड़ रहे हो लेकिन वोटर्स के बीच चर्चा सिर्फ किरोड़ी मीणा की हो रही। नतीजों से सीधा असर भाजपा के वरिष्ठ डॉक्टर किरोड़ी लाल के कद पर पड़ेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल इस बात को अच्छे तरीके से जानते भी हैं, लिहाजा डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कमंडल हाथ में लेकर भिक्षाम देही जैसा पैंतरा तक आजमा डाला। खींवसर, यहां से चुनाव सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल लड़ रही हैं, लेकिन सारा चुनावी माहौल ऐसा जमा हुआ है कि जैसे खुद हनुमान बेनीवाल ही चुनाव लड़ रहे हों। अब हनुमान बेनीवाल की साख के साथ यह चुनाव पार्टी के अस्तित्व बचाने के लिए भी बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि पत्नी के नहीं जीतने पर फिर पार्टी का एक भी विधायक नहीं बचेगा। झुंझुनू का चुनाव इस बार ओला परिवार के वजूद से जुड़ा हुआ है। कई दशकों से इस सीट पर ओला परिवार का ही दबदबा रहा है। इस बार कांग्रेस ने सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को उम्मीदवार बनाया है। सारी चुनाव की कमान ब्रजेंद्र ओला के हाथों में ही है। अब देखना है कि ओला परिवार अपनी विरासत और गढ़ को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। देवली उनियारा, नरेश मीणा के बागी होने पर देवली उनियारा सीट का चुनाव सबकी नजरों में आ चुका है। ऐसे में सांसद हरीश चंद्र मीणा को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। हरीश मीणा की सिफारिश पर ही केसी मीणा को टिकट दिया गया था, लिहाजा हरीश मीणा ने अपनी नाक बचाने के लिए पूरी ताकत चुनाव में झोंक रखी है। नेताओं के लिए उपचुनाव की जंग पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, लिहाजा रण में चारों दिग्गज नेताओं ने ही चुनावी रणनीति और प्रचार की कमान अपने हाथों में ले रखी है। प्रदेश नेतृत्व ने भी इसके लिए उन्हें पूरा फ्री हैंड दे दिया। अब रिजल्ट से ही जाहिर होगा कि इनकी प्रतिष्ठा बचेगी या जाएगी। वैसे तो इन उपचुनावों से सत्ता पक्ष और विपक्ष को कोई खास सियासी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इन 4 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा पूरी तरह से इन उपचुनावों में दांव पर लग चुकी है। अब जनता इनकी अपील पर कितना अपना समर्थन इनको देती है या नहीं देती है, यह 23 नवंबर को नतीजों से जाहिर हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।